नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर के विकास भवन के पशुधन विभाग में तैनात लिपिक विनोद मिश्रा के पास एक पढ़ी लिखी हैरान परेशान गरीब युवती नौकरी मांगने आई। उसे लिपिक विनोद मिश्रा ने नौकरी तो नहीं दी बल्कि युवती को अपनी हवस का निवाला बनाना चाहता था। उसको अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता रहा। गरीब युवती लोक लज्जा की दुहाई देती रही, गरीब की चादर ओढ़ कर अपनी इज्जत बचाए युवती नौकरी की भीख मांगती रही, लेकिन वैसी लिपिक विनोद मिश्रा को रहम नहीं आया। आज दिन नौकरी का झांसा देकर विनोद युवती को बुलाता रहा और उसकी असमत लूटने की कोशिश करता रहा। युवती किसी तरह अपनी इज्जत बचाती और इस उम्मीद में अपना मुंह नहीं खोलती कि शायद अब की बार साहब नौकरी लगवा देंगे। जब युवती को बर्दाश्त की हदें पार हो गईं, तब उसने लिपिक के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी। साथ ही वहीं पुलिस ने युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज तो कर लिया और आरोपी लिपिक की तलाश कर रही है। वहीं आरोपी लिपिक ने अपने दफ्तर जाने बंद कर दिया है और फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये नज़ीर है कि किस तरह सरकार कुर्सी पर विराजमान कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते रहते हैं, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की मंशा पर पानी फेरते रहते हैं। जरूरत है कि ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करने की और कड़ी से कड़ी सजा देने की। क्या हुआ आपके साथ, काहे के लिए थाने में आई हैं आप? सर, हम थाने में इसलिए आए हैं क्योंकि हम विकास भवन गए थे, वहाँ पर हमें जॉब की तलाश थी। जॉब की तलाश की वजह से मतलब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि वहाँ पे मुलाकात हमारी लिपिक हैं, वो क्या विनोद मिश्रा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए और नंबर हमारा ले लीजिए और इस पर जानकारी करते रहिएगा और हम आपके लिए जो भी कोई जॉब आती है तो हम आपको जानकारी दे देंगे, बता देंगे। इस कारण से हमने वहाँ पे अपने का डॉक्यूमेंट भी दे दिए और प्लस नंबर भी दे दिया और उनका नंबर हमने भी ले लिया और वो हमें अश्लील मैसेज करने लगे। हमने उनसे मना किया, हमने कहा सर हम इस टाइप की लड़की नहीं हैं और हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से मैसेज मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है और हम आपको जॉब के लिए कर रहे हैं तो कम से कम हमें कुछ तो चाहिए। अच्छा, नौकरी की लालच देकर शारीरिक शोषण करना चाहते हैं? यस, शारीरिक शोषण करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम जब मजबूर हो गए तब हमने ऐसा कदम उठाया कि मैंने कहा मैं पुलिस का वो करूंगी। किस तो, तरह का मैसेजिंग करते थे, किस तरह के वीडियो भेजते थे? क्या अश्लील मैसेजिंग करते थे, अश्लील वीडियो भेजते थे? यस सर, अश्लील मैसेज प्लस वीडियो और बहुत गंदे गंदे से कमेंट्स, गाली गलौज वगैरह वगैरह सब भेजते थे। तो आज तुमने शिकायत करी, क्या क्या बोले? आज हमने शिकायत की तो इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे हैं कार्रवाई के लिए कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई होगी, अगली कार्रवाई। तुम क्या चाहती हो, क्या पुलिस कार्रवाई करे, साथ ही विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, पद का दुरुपयोग कर रहा? यस, विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक महिला ने यह शिकायत पत्र दिया था कि उसको नौकरी के दिलाने के नाम पे उसके साथ जो है वह उसका फ़ोन नंबर लेके उस पर उनके साथ बातचीत की जा रही थी और उसको परेशान किया जा रहा था। उसकी इस एप्लीकेशन पे थाने को निर्देशित किया गया है कि मुकदमा दर्ज करके जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करें और इसकी विवेचना आरंभ करें।